बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब तस्करी को रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती से कम आका नहीं जा रहा है। शराब तस्कर बेखौफ है और पुलिस के साथ मुठभेड़ तक करने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस जब कार्रवाई करती है तब उल्टे पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया जाता है। ताजा मामला मधुबनी जिले के कलवाही से आ रहा है, जहां शराब तस्करों ने पैंथर मोबाइल टीम के जवानों को गोली मार दी है। एक जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना कलवाही थाना क्षेत्र के नरार ट्रेनिंग चौक के पास की है, जहां जयनगर थाना के पैंथर टीम के दो जवानों पर शराब तस्करों ने गोली चला दी। शराब तस्कर तीन की संख्या में थे और शराब की तस्करी के काम में लगे थे। जयनगर थाने की पैंथर टीम और चौकीदार जब इन शराब तस्करों को पकड़ने गई तब उल्टे शराब तस्करों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। पैंथर मोबाइल टीम के दो जवानों को गोली मार दी। गोली लगने से एक जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों पुलिस जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस पर हमला के बाद सभी शराब तस्कर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मधुबनी एसपी सुशील कुमार समेत वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं फरार शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बहरहाल शराब तस्करों का तांडव से इलाके के लोग भयभीत नजर आ रहे हैं और पुलिस के लिए शराब तस्करी एक खुली चुनौती से कम नहीं है। नहीं, हम लोग तो बताया थे साथ में जा रहे थे ना, ट्रेनिंग तो जो गए हैं ना, तो रुका है गाड़ी लेकर के, पहचान में आया है कि यही लड़का था, पकड़ने के लिए जा रहे थे। जितना ही में जो से फैद कर दिया, तीन फैद किया है, दो फैद जैसे फैद राहुल को लग गया, एक फैद मोहम्मद भैया को लग गया है, तो गिर गया। फिर हम लोग जैसे इधर उधर भागने लगे, भागने में सफल जी, जब ये गोली लगा महमूद भैया का नहीं, पहचान में नहीं आया। जब ये महमूद भैया का गोली लगा हम लोग चितर बितर हो गए, महमूद भैया गिर गया, उसके बाद राहुल भैया को लग गया। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।